चले ही जाना है, नजर चुरा के यूं फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई, क्यों किसी को अपना बना के छोड़ दे, ऐसा कोई नहीं करता। कैमरा हमारा चेक हो गया। हाँ जी, पूरा चेक हो गया, बिल्कुल अच्छा हो गया है। हेलो, हाय, वेलकम, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जिस भी समय देख रहा हूं मैं आपका बंदा घूम के तू। मेरा नाम है शशांक, योर बॉय नेक्स्ट डोर। फिरेम एकदम अच्छा है, धन्यवाद एक बार फिर से 500 के बाद। बहुत अच्छे से आप लोग मेरे ऐसा सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हो यार, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। लास्ट वाले वीडियो पे ना आप लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, व्यूज कम आए, नो डाउट, यूजुअल से कम व्यूज आए मेरे, बट मुझे 2-3 लोगों के फोन आ गए यार। और जानते हो उन्होंने क्या कहा कि यार इट इज गुड दैट यू आर रिव्यूइंग एप्लीकेशंस आल्सो जो कि और वाइडली यूज की जा सकती हैं देन द स्टफ यू आर यूजिंग एट द मोमेंट। मगर ठीक है, मतलब ऐसा अच्छा लगा सुनकर, बहुत अच्छी चीज है, और क्या किया जा सकता है। तो दे वर लाइक व्हाई डोंट यू रिव्यू मोर एप्लीकेशंस। तो इसी के साथ साथ आई गॉट एन आइडिया, जी हाँ, एंड द आइडिया वॉज टू रिव्यू अनदर एप्लीकेशन जो कि आजकल पीट लो इसी समय पीट लो, इग्नोर दैट, थोड़ा साउंड आए तो इग्नोर कर देना। अब एक और एप्लीकेशन जो कि न्यूज में कुछ ज्यादा ही चर्चा में है, हम उसके बारे में बात करेंगे। द एप्लीकेशन नेम इज कू, इट्स इंडियन मेड। हाँ, आत्मनिर्भर भारत चैलेंज जो मिला था ना, उसमें इस एप्लीकेशन को अवार्ड मिला है। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसे इस एप्लीकेशन का इस एप्लीकेशन का विकिपीडिया पेज कहता है, और भी बहुत कुछ कहता है इसका विकिपीडिया पेज। वो ये कहता है कि बॉस कू इंडा मेड एप्लीकेशन है, इनके सीईओ का नाम कुछ राधाकृष्णन सर जी हैं, उनके बारे में भी बात की जाएगी, बहुत अच्छे से बात की जाएगी। इट्स अ माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट, माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट मतलब ट्विटर का छोटा भाई जो कि इंडिया में पैदा हुआ, और बड़ी मजेदार सी एप्लीकेशन है। मैंने इस एप्लीकेशन को यूज किया, चला के देखा, सेटअप करना काफी आसान है, इंटरफेस इज वेरी गुड। जी, इंटरफेस आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें बहुत सारी तरह के हिसाब है। जब आप पीपल पे जाएंगे, जी हाँ, पीपल पे आप जैसे गए, आप ऊपर स्क्रोल करते जाइए, नीचे जाते जाइए, स्क्रोल आप जैसे करेंगे आपको दिखेगी कैटेगरी वाइज डिवाइड है। यहाँ पे पॉलिटिशियंस की एक कैटेगरी बनी है, एक कैटेगरी बनी हुई है अपना क्या कहते हैं एक्टर्स की, एथलीट्स की, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, ऑफिशियल हैंडल्स की, गवर्नमेंट की ऑफिशियल हैंडल्स की, देन योर न्यूज चैनल्स, योर पोएट्स, योर ऑथर, जो कि अकाउंट्स अभी नए हैं, अकाउंट्स एक्टिव हैं, किसी चीज के लिए फेमस हो गए हैं, अकाउंट विद अ डिफरेंट फ्लिंग ऑल टुगेदर, जिसमें हिस्ट्री से रिलेटेड कोई अकाउंट था, एक फनी सिंग करके एक अकाउंट था, बहुत सारे अकाउंट मैंने ऐसे देखे जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग में हमारे। एक जो मजेदार चीज हमको लगी यहाँ पे, आप इसका जरा हमारा प्रोफाइल पेज देखे, प्रोफाइल पेज में बड़ा अच्छा सेग्रीगेशन है। Wherein on the first very part you will get to know that I'm a marketer, I do marketing for a company and everything. उसके बाद अगर मैं यूज करूं और सारी चीजें देखूं तो मुझे ऐसा कोई ग्लिच इसमें एज सच नहीं दिखा है, जो कि मुझे इसके पहले वाली एप्लीकेशन में जब मैं बात कर रहा था संदेश की तो मुझे एक दो ग्लिच दिखे थे, कुछ डिलेज दिखे थे, बग्स दिखे थे वगैरह वगैरह। टेक्निकल चीजों में नहीं जाते हैं क्योंकि मैं खुद उतना टेक्निकल साउंड नहीं, तो वैसा कोई ग्लिच मुझे अभी तक इस एप्लीकेशन में नहीं दिखा है। ऑल दो रिस्पॉन्स रेट भी ठीक ही ठाक है, आप किसी को ट्वीट करिए तो तुरंत आपको पता चल जाता है। कुछ 5-6-7 लोग मुझे फॉलो करने लग गए हैं अभी, क्योंकि मैंने एक कू कर दिया था। वो कू मैंने क्यों किया था, उसके लिए वापस से हम आपको विकिपीडिया पेज पे लेके जाएंगे। जी हाँ, कू के विकिपीडिया पेज पे। वैसे तो एक चीज जो मेरे को शुरुआत से खटक रही थी, मैं चलो अभी बोल ही देता हूँ यार, ये बताओ ये कू पू चू ऐसा नाम रखना जरूरी था? चलो, उनके पास ट्विटर का लॉजिक था, वो ट्वीटिंग बर्ड के बारे में कहना चाह रहे थे। भारत एक ऐसा देश है यार जहाँ पे हिस्ट्री रिच कंट्री, मतलब 1-2 साल पुरानी कंट्री नहीं है ना, 200-300 साल पुरानी भी कंट्री नहीं है, आज के वजूद से थोड़े
या तो लाखों करोड़ों साल की बात चल रही है, इतने पुराने वजूद हैं हमारे, तो यार कुछ अच्छा नाम रख लेते, कुछ लॉजिकल नाम रख लेते। नाम वाम रखने में ना मुझे राजपूताना कस्टम का नेमिंग नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छा लगता है, बड़े खतरनाक तड़क बड़े अच्छे अच्छे नाम देते हैं। अभी लास्ट में उनकी कौन सी, मैंने अभी कल परसों एक बाइक देख रहा था, उन्होंने बाइक का नाम खुश रखा है, बताइए इतना अच्छा लगा मुझे। फिलहाल मुझे कूस से ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं है, मगर कुछ मजा नहीं आया, ऐसा स्वाद नहीं आया भाई उसमें। तो कू के जगह आप कुछ और अच्छा रख सकते थे ऐसा मुझे लगता है, बट स्टिल इट्स ओके, द कू बर्ड एंड एवरीथिंग, कुकू ये सब चलेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स नॉट माई कंसर्न एट ऑल। कंसर्न मेरी यहाँ पे ये आती है, इन्होंने ऐसा क्लेम किया है कि आत्मनिर्भर भारत में अवार्ड वार्ड जीते हैं, करेक्ट? ये कब अपने भौकाल में आया, यानी कि इनकी बात कब शुरू हो गई? जब ट्विटर ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक स्टैंड ऑफ में ऑलमोस्ट ऑल अ वीक खड़े हो गए, तब इंडिया के कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने या फिर मंत्रिमंडल में से कुछ लोगों ने बोला भैया हम ट्विटर छोड़ रहे हैं और हम जा रहे हैं कू पे, जो कि इंडिया का ट्विटर है। पहले कू किसी एक भाषा में यानी कि कन्नड़ में ही अवेलेबल था, अब कू बहुत सारी भाषाओं में अवेलेबल है, इस वजह से बहुत सारे लोग भी उस पे हैं। तो जैसे वो सरकारी ऑफिशियल्स आ गए, मंत्रिमंडल वाले लोग आ गए, तब से कू की बात शुरू होने लगी। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये उनका विकिपीडिया पेज कहता है। और आप बोलोगे यार विकिपीडिया पेज पर सारी चीज़ें सही तो लिखी नहीं रहती, ओ तो एक काम करो, जो नीचे जाके थोड़ा सा देखना जहाँ पे रेफरेंस लिंक होती हैं और मटेरियल होते हैं, एक्सटर्नल लिंक्स होती हैं, वहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कौन कौन सी न्यूज़ वेबसाइट से इन्होंने अपना मैटर लिया है, वो भी मेरे को हजम होता है। ठीक है यार, किसी का कुछ बुरा हुआ, उसमें कुछ नई पॉसिबिलिटी किसी और के लिए बन गए, हमको कोई दिक्कत नहीं, आई डोंट माइंड। बट एक वो सवाल है हमारा, द सवाल इज यार, आत्मनिर्भर भारत का अवार्ड वार्ड मिला आपको, करेक्ट? ऐसा आप कहते हो, तो आप ही के विकिपीडिया पेज पे आपने ऐसा क्यों लिख के रखा है कि आपका एक इन्वेस्टर चाइनीज है, यार मेजर इन्वेस्टर चाइनीज है, क्यों? वैसे इसके लिए मैंने इनके सीईओ को, इधर देखो आपको दिखेगा, मैंने इनके सीईओ को ट्वीट भी किया, जो ट्वीट किए मुझे 3-4 दिन हो गए, मुझे जवाब नहीं मिला। उल्टा कू का मार्केटिंग हेड मुझे फॉलो करता है, मैं सोच रहा हूं उसी बंदे को मैं प्यार से पूछ लूं, भाई क्यों ऐसे क्यों? आत्मनिर्भर भारत का अवार्ड मिला है, विच इज वेरी गुड, द एप्लीकेशन इज नाइस, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मगर चाइनीज इन्वेस्टर क्यों यार? मुझे चाइना से कुछ टाइम पहले तक दिक्कत नहीं थी, हाँ ठीक है, खा रहे मार रहे जो कर रहे, मैं तो कोविड के लिए भी उनको कुछ नहीं बोलता हूँ, ठीक है, चलो किसी का चुतियापा चल रहा था उसमें बात हाथ से निकल गई, गलती में बेचारे से हो गया। बट ना जो इंडिया के साथ हुआ ना, उसके बाद से ना मेरी यहाँ से खसक गई, सनक गई, बाप मेरा फौजी मेरी हो जाती है जल, इसलिए ना मेरी खसक गई। तो कू की हर चीज मेरे को अच्छी लगी, मगर चाइनीज इन्वेस्टर वाली बात मेरे को समझ में नहीं आई। सर आपकी एप्लीकेशन अच्छी है, मैं खुद यूज भी कर रहा हूँ और मैं उसको छोड़ भी नहीं रहा हूँ, मैं अच्छे से उसको यूज कर रहा हूँ, अभी भी मैं यूज करूंगा, ट्विटर से ज्यादा अच्छी लगी मेरे को। बट अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो उसके बाद जरा ये पूछिएगा कि एक चाइनीज इन्वेस्टर क्यों है आपके पैनल पे, पहुंचता है तो ठीक है, नहीं पहुंचता तो कोई बात नहीं, मैं कू कर दूंगा, आप मुझ में उसका जवाब दे दीजिएगा, क्या पता मैं गलत हूं, बट अगर गलत हूं तो मुझे बताओ मैं गलत हूं। तो इसी के साथ कू का ओवरव्यू खत्म करते हैं, अपनी भड़ास मैंने निकाल ली, यस कू का ओवरव्यू खत्म करते हैं। नॉर्मल तरीके से आपको बता देता हूँ, इट्स अ वेरी नाइस माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट एंड आप इसे यूज भी कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं खुद भी वहाँ पे हूँ, आप जाके खोज लेना आपका लौंडा शशांक सिंह राठौर वहाँ पे मिल जाएगा, चिड़ी रैबिट घूम के तो ऐसे सब के सारे नामों से मैं मिल जाता हूँ, तो आप खोजेंगे मैं आपको मिल जाऊंगा। ये था एक छोटा मोटा सा ओवरव्यू वीडियो ऑन इंडियाज ओन माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट दैट इज कू। It's a nice website. I give the thumbs up. अगर रेटिंग पूछोगे मुझसे तो मैं इसको 10 कू दूंगा, 10 में से 10 कू दूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से डेवलपमेंट फेज के लिए बहुत अच्छी वेबसाइट है। तो इसी के साथ खत्म करते हैं अपना वीडियो, मैं करता हूँ टाटा बाय बाय आप लोगों से, नमस्ते सलाम बाय बाय, मेरे ऐसे बहुत सारे वीडियो देखते रहिएगा, मुझे ऐसे अपना प्यार देते रहिएगा, सब्सक्राइबर काउंट बहुत ज्यादा अच्छे से बढ़ा रहे हो आप लोग, आई एम वेरी हैप्पी, थैंकफुली नोटिस भी कर रहे हैं लोग, वो यार इसके लिए थैंक्स अ लॉट,
ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा, मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में। मेरा नाम है शशांक, योर बॉय नेक्स्ट डोर, घूम के तू आपका बंदा, मिलता हूँ किसी अगले ब्लॉग में। इन द मीनवाइल एंजॉय योर डे, एंजॉय योर लाइफ। एक कुक कर दिया, अरे काउंट पीट रहा है बे, और क्या पीट रहे हो, बस करो बे, हंचुत कितना पीटूंगी।